हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं दूसरे एक इक्विपन लेके आया। डॉट एसोसिएशन निकॉन का है। निकॉन डॉट एसोसिएशन एक्सएफ मॉडल है। मॉडल में डिफरेंट आता है। ये एक्सएस एक्सएफ देखने के लिए सेम आएगा। पहले वीडियो में मैं एक्सएफ इंट्रोड्यूस किया आपके लिए, आपको लिए ठीक है। अभी एक्सएफ है, ये मॉडल है। आज हमको देखेगा ये मॉडल में क्या फीचर्स है, कैसा ऑपरेट करने का कुछ पूरा हमको अभी देखेगा। ओके फ्रेंड्स, इसका मैं अभी ऑन कर रहा है, मिशन ऑन किया। ये मिशन पूरा टच स्क्रीन है। देखो, ये खाली इतना बटन है। ये साइड में स्विच ऑन स्विच है, आरओ कीस है, एस्केप का बटन है, फिर मेशर वन मेशर टू ऐसा बटन आ रहा है, फिर ऑटो फोकस कीबोर्ड, इतनी फंक्शन, इतनी बटन्स आ रहे हैं। दूसरा, ये दूसरा साइड में भी इसका ये डिस्प्ले आ रहा है। दोनों टच स्क्रीन डिस्प्ले है, दोनों सेम आता है, ठीक है। अभी इसमें दो बैटरी आता है, एक बैटरी इधर आता है, एक बैटरी इधर आता है। हमारा एक्सेस सीरीज में भी दो बैटरी आता है। फिर दूसरा एक एडवांटेज, इसमें ऑटो फोकस आता है, फिर यूएसबी पोर्ट है, फिर एक डेटा ट्रांसफ़र केबल का पोर्ट भी है, ब्लूटूथ है। अभी लॉकिंग सिस्टम भी इसमें है। निकॉन पूरा ब्रांड में अभी लॉकिंग सिस्टम आ रहा है। काली एन से निवो सीरीज में कुछ लॉकिंग सिस्टम नहीं आ रहा है, बाकी सारे ब्रांड में लॉकिंग सिस्टम आ रहा है। लॉकिंग सिस्टम हम लोग को थोड़ा काम के लिए थोड़ा अच्छा होता है, अच्छा है। हम लोग को काम करने के टाइम कुछ हिलता है, कुछ ऐसा हम लोग इमीडिएटली कुछ टच कुछ हुआ फिर भी हमारा टिल्ट का कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर ये वर्टिकल लॉकिंग सिस्टम इधर आता है, वर्टिकल लॉकिंग सिस्टम भी अच्छा है हमारा काम के लिए। सर्वेयर आदमी लोगों को मालूम पड़ेगा। फिर दूसरा ये, हाँ, मेरा अभी मेरे पास ये मशीन में लेसर नहीं है, ऑप्टिकल प्लमेट है। और ये अभी ए सीरीज एक्सएफ सीरीज में ऑप्टिकल भी लेसर भी मिलेगा। दोनों आप लोगों मर्जी से, दोनों डिपेंड करता है, साइट का डिपेंड है, सर्वेयर का रिक्वायरमेंट में चेंज कर सकते हैं। वो दोनों मार्केट में अलाउड है, दोनों मार्केट में है, ठीक है। निकॉन ब्रांड अभी दोनों बना रहे। और बोला तो मशीन थोड़ा देखने के लिए भी थोड़ा अच्छा है, ठीक है। फिर अभी ये फंक्शन में बोलेगा, ये इसमें सर्वे बेसिक है, सर्वे प्रो है। इसमें एक्चुअली तीन सॉफ्टवेयर हम लोग डाल सकते हैं। ये विंडोज़ 10, इसका ओएस विंडोज़ 10 है। फिर इसमें तीन सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, सर्वे प्रो, सर्वे बेसिक एंड लेआउट प्रो, एक सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। इसमें पूरा टच है। हम ये टच करने के लिए हमारे पास एक छोटा एक स्टिक है, स्टिक इसमें होता है, ठीक है। अभी देखेगा सर्वे बेसिक, नॉर्मली हमारा सर्वे करने के लिए, नॉर्मल सर्वे करने के लिए हम लोग यूज़ करता है। पूरा दूसरा मशीन में सेम सिस्टम आता है, ईस्टिंग नॉर्थिंग कोऑर्डिनेट मालूम है ना। ये सर्वे प्रो हम यूज़ करने का क्यों मालूम है, ये जीपीएस का साथ अटैच करके हम लोग को यूज़ कर सकते हैं। फिर लोकल में किधर भी काम के लिए कुछ यूज़ अच्छा आता है। सर्वे प्रो निकॉन ऑन सॉफ्टवेयर है। एक्चुअली निकॉन अभी ट्रिम्बल का कंपनी है। सॉफ्टवेयर इसका अंदर का हार्डवेयर सेटिंग पूरा ट्रिम्बल का आता है, ट्रिम्बल का अंडर में निकॉन पूरा। ट्रिम्बल का अंडर में दूसरे एक प्रोडक्ट भी है सर, ये जीपीएस प्रोडक्ट। नॉर्मली पूरा आदमी के मालूम है ट्रिम्बल जीपीएस मालूम है। फिर ट्रिम्बल का सेम पेरेंट का भी है, स्पेक्ट्रा बोल के एक कंपनी अभी है। उसका
सॉफ्टवेयर भी यही यूज़ किया, सर्वे प्रो यूज़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा, फील्डलेस ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा सर्वे प्रो यूज़ कर यूज़ करने के लिए अरे अच्छा बना के रखा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करेगा कैसा सर्वे प्रो यूज़ आएगा, हमारा सर्वे में कैसा यूज़ आएगा पूरा मैं एक्सप्लेन करेगा। स्पेशली मैं एक वीडियो बना रहे सर्वे प्रो के लिए, अभी एक्सएफ इंट्रोड्यूस करने के लिए आज का वीडियो है। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी ये बंद हो रहा है, क्यों मालूम है? ये जल्दी बंद, ये इसका लाइटिंग बैकअप लाइट थोड़ा कम करके सेकंड कम करके रखा, ये हम लोग को ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। फिर अभी हमको ये सर्वे बेसिक क्या है कुछ देखे कैसे ऑपरेट करने का। ओके देखो फ्रेंड्स, ये सर्वे बेसिक में ओपन किया आप लोग के लिए, आपको पूरा आदमी की नज़र आएगा स्टार्टअप गेट है। ये स्टार्टअप गेट मतलब मालूम है ना, नॉर्मली गेट करता है। ये मशीन में बहुत एक अच्छा सिस्टम है ये बना दिया, क्यों ये दूसरा कोई मशीन में देखा नहीं मैं अभी तक। ये मशीन में ये गेट मतलब ये कैसा हमको यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली ये यूज़ आएगा नया एक सर्वेयर का। अभी एक सर्वेयर अभी तक ये मशीन काम किया नहीं किया था एक्चुअली। ऐसा वाला सर्वेयर लोग को भी ये गाइड बहुत अच्छा लगता है, फिर भी उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़ आएगा। कैसा एक एक सॉफ्टवेयर हम लोगों को खोलने का टाइम, गो टू बेसिक मेजरमेंट कैसे जा सकते हैं, गो टू मेन मेन्यू में कैसे जा सकते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स है पूरा ये गाइड में बता रहे हैं। कैसा जॉब क्रिएट करने का, कैसा स्टेकआउट करना है, पूरा एक गाइड में पूरा है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, ये अभी तक मैं किसी टोटसच में देखा भी नहीं है। ये काली निकॉन ब्रांड का एक्सएफ सीरीज़ में ऐसा एक सिस्टम मैंने देखा। ओके हम ये क्लोज कर रहे हैं। अभी देखो ये टिल्ट ऑप्शन आ रहा है, सिंगल ड्यूअल टिल्ट हम लोग एडजस्ट करने के लिए, वो पूरा लोग मालूम है। अभी मैं ऑफ़ करके रखा, क्यों मालूम है? ये टिल्ट का बार बार वार्निंग देता है, इसलिए मैं ऑफ़ करके रख दिया। ठीक है, अभी ओके किया, अभी आगे गया मेन पेज। अभी हमारा डिस्प्ले, हमारा मशीन का मेन पेज यही आता है, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, स्लोपिंग डिस्टेंस पूरा आता है। इसमें पेज हम लोग को चेंज कर सकते हैं। अभी इसमें दूसरा आता है, अभी देखो ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन पूरा आता है। फिर इधर हमको देखेगा मेशर करने का टाइम, मेशर पॉइंट इधर नज़र आता है। फिर मेशर अभी देखो इधर दो प्रेस है, मैं बोला था ना मेशर वन मेशर टू, इसमें भी हम लोग प्रेस करा तो मेशर हो जाएगा, इसमें भी सीधा टच कर सकते हो मेशर हो जाएगा। ठीक है, ये वन में मेशर अभी प्रिज्म डाल के सेट करके रखा, मेशर टू में नॉन प्रिज्म सेट करके रखा। रिकॉर्डिंग करने का जरूरत है तो ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं तो खाली हमको देखने के लिए कुछ मैं उधर क्या है, कितना है ईस्टिंग नॉर्थिंग, कितना है कोऑर्डिनेट क्या है, कुछ देखने के लिए खाली मेशर कर सकते मतलब डिस्क जस्ट कर सकते हैं, डिस्क मतलब इसमें मेशर आएगा। ठीक है, और ये साइड में देखो, साइड में ये छोटा हल्का देखो, हल्का एक टोटल सेशन का पिक्चर है ना, ये पिक्चर में चेक कर दो जॉब नॉट सेलेक्ट, डू यू वांट टू सेलेक्ट जॉब। ओके ठीक है, अभी तक हम लोग जॉब कुछ सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए एक वार्निंग आ गया। ठीक है, उसमें देखो इसमें टच होने का टाइम, ये स्टेशन हम लोग को सेट करने के लिए आता है। स्टेशन में सेटिंग सेटअप स्टेशन सेटअप सेलेक्ट किया, उसमें देखो नॉन है, नॉन बैक साइड रिसेशन है, क्यूब क्यू बेस एक्स एंड वाई सॉरी मॉड बीएम पूरा ऐसा आता है। ठीक है, उसमें हम लोग को हमारा मर्जी से साइट का कंडीशन में हम लोग को सेट कर सकते हैं, नॉन बैक साइड बे अभी रिसेशन कर सकते हैं पूरा। ये कैसा काम इसमें करेगा ऐसा वाला वीडियो मैं दूसरा नेक्स्ट डे में कुछ अपलोड करेगा, ये वो वीडियो भी आप लोगों को यूज़ आएगा लगता है। ठीक है, फिर ये क्लोज किया। अभी देखो ये दूसरा एक ये छोटा एक पिन का ऑप्शन है, देखो पूरा आदमी के दे नज़र आएगा लगता है, वो हमारा लेज़र का है। लेज़र ऑन करने के लिए, लेज़र ऑन किया उसके बाद में एक रेड लाइन आ रहा है,
लेज़र मतलब लेज़र ऑन है, ठीक है। अभी इसी मशीन में भी लेज़र पिन पॉइंट लेज़र है, वो मैं दिखाएगा पिन पॉइंट लेज़र है। अभी देखो सेम पिन पॉइंट लेज़र आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली हमारा निकोन ब्रांड में अभी जनरेशन में कोई भी मशीन में अभी लेज़र वाला मशीन में लेज़र ऑन करने का ज़रूरत नहीं है। मैं पहले XSB में बोला था लेज़र ऑन करने का, मेशर करने के लिए हमको लेज़र ऑन करने का ज़रूरत नहीं, फिर भी लोग क्यों लेज़र में लेज़र लाइट रखा मालूम है। ये रात में कुछ काम, अभी डार्क वाला रूम है, रात काम करने का टाइम, नाइट का काम है, वो काम का पोजीशन मालूम पड़ने के लिए कुछ लेज़र लाइट रखा। वो नॉर्मली ऑटोमेटिकली लेज़र लाइट ऑन नहीं है तो भी फिर भी ये मेशर कर सकते हैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमको देखेगा ऐसा मेशर कर सकते हैं। मैं अभी देखो ये लेज़र ऑन करके रखा, आपको पूरा आदमी को मालूम है, देखो लेज़र ऑन है। ये अभी ऑफ़ किया तो ऑफ़ हो गया, अभी मैं ऑफ ऑन किया फिर भी मैं ऑफ़ कर रहा है, ऑफ़ करके एक बार मैं मेशर कर रहा है। देखो मेशर में टच हुआ, अभी मेशर कर रहा है नहीं कर रहा है चेक करेगा। देखो मेशर किया, स्लोप इंडेक्स 2.578, फिर भी देखो मैं ऑफ़ करके रखा, लेज़र ऑफ करके रखा, इसलिए मैं बोला था ये मेशर करने के लिए लेज़र में और लेज़र लाइट ऑन करने का ज़रूरत एक्चुअली नहीं है, ठीक है। दूसरा मशीन में लेज़र लाइट लाजिम ऑन होना चाहिए, नहीं है तो मेजर नहीं कर सकते हैं मशीन, ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या है चेक करेगा। अभी इसमें ये साइड में देखो एक छोटा हल्का ये माप का स्क्रीन रखा, माप इसमें आता है, फिर दूसरे वो माप का ऊपर दो बैटरी का एक पोर्शन दिया था, बैटरी ये कौन सा मशीन का कौन सा राइट और लेफ्ट दोनों तरफ में बैटरी डाल सकते हैं ना, मैं बोला था ना दोनों तरफ में मशीन का बैटरी डाल सकते हैं, एक इधर है एक इधर ही है। फिर वो भी डाल के एक कौन सा साइड में बैटरी है वो कितना परसेंटेज पूरा इसमें टच करा तो मालूम पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी ऑप्शन है। फिर शीट में कुछ काम करने का टाइम, शीट डार्कनेस कुछ हम लोगों का डिस्टेंस मारने का टाइम, ऐसा कुछ ऑप्शन भी इसमें ये ऑन करके रखा तो अच्छा आएगा। फिर ये ट्रैकर, ये ट्रैकिंग लाइट भी है। अभी ट्रैकिंग लाइट थोड़ा मेरे को मालूम है लगता है ये हम रात में कुछ काम करने के लिए डार्क जगह में, फिर भी ये ज़्यादा धूप का अंदर में काम करने का ऐसा कुछ ये हमारा बंदा लोग को मालूम नहीं आएगा। मशीन थोड़ा लॉन्ग में, अभी आदमी थोड़ा लॉन्ग में जाके कुछ मेशर उठाने के लिए कुछ पोजीशन रात में कुछ किधर आता है कुछ इसलिए कुछ पोजीशन मालूम के लिए ये अब पोजीशन दे के आदमी लोग को कुछ सीधा जा सकता है। इसे ट्रैकिंग लाइट ऑप्शन भी है, देखो ये ट्रैकिंग का लाइट भी है इसमें, वो ऐसा फ़ायदा आएगा ये ट्रैकिंग लाइट का। और भी फ़ायदा कुछ भी है एक्स्ट्रा, में दूसरा वीडियो सेपरेट करेगा, ठीक है। अभी दूसरा इतनी है पूरा ये सेटिंग फर्स्ट पेज में, मेन मेन्यू में जाके चेक करेगा। ओके मेन मेन्यू में हम गया, हमको मालूम नहीं पड़ रहा है अभी जॉब कैसा क्रिएट करने का कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है ऐसा है। तो अभी देखो इसमें पूरा लिखा जॉब प्रोग्रेस स्टैक ऑटो कोगो, फिर भी हमको इधर एक स्टार ऑप्शन आ रहा है, स्टार ऑप्शन में प्लस करो। अभी इधर हेल्प का एक ऑप्शन आता है, ये होल हेल्प ऑप्शन में क्लिक करने के टाइम मेन मेन्यू इसमें जॉब कैसा क्रिएट करने का वो जॉब है सेलेक्ट करो, जॉब सेलेक्ट करने के टाइम वो पूरा डिटेल बताएगा जॉब सेलेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग उसमें क्या क्या सिस्टम है, जॉब कैसा सेलेक्ट करेगा क्रिएट कैसा करेगा पूरा ये इसमें लिखा है। हमको ये पढ़ो, पढ़ के हम लोगों ये मशीन ऑन द स्पॉट में हम लोगों यूज़ कर सकते हैं, कुछ टेंशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। फिर इधर एक छोटा एक ये बना के रखा, ये ऑटो फोकस का है, ठीक है। अभी वो थोड़ा अच्छा आता है, फिर भी इसमें ये प्रोग्राम है स्टेक होटर को ये कैसे काम करने का क्या क्या सिस्टम इसका अंदर है, फिर ब्लूटूथ कैसे काम कर सकते पूरा मैं एक दूसरे एक वीडियो में बना के अपलोड करेगा। ब्लूटूथ कैसा हमारा ब्लूटूथ में फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र अपलोडिंग डाउनलोडिंग कैसे करेगा पूरा सिस्टम है एक बना के रखेगा। फिर इसमें ऑटो फोकस में बोला था ना, ऑटो फोकस का पहले मैं एक वीडियो भी दिया, ये 8 GB मैप ये GB है इंटरनल मेमोरी है, फिर भी मैं बोला था USB पोर्ट है, फिर भी अभी बैटरी हम लोग को
बैटरी का खर्चा कम करने के लिए एक सिस्टम है हमारा, ये डिस्प्ले ओपन करने का जरूरत है ऐसा कुछ पढ़ने के लिए टाइम है तो ये डिस्प्ले सेलेक्ट कुछ क्या करने का, IPC कुछ घूमने का, ये जगह पे कुछ घूमने का जरूरत है वो ऑटोमेटिकली ऑन आएगा। अब वो डिस्प्ले चाहिए तो इसमें तो ऑटोमेटिक ऑफ आएगा, क्यों ये थोड़ा अच्छा आएगा, हमारा बैटरी लाइफ थोड़ा वर्किंग टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी एक ऑप्शन है इसमें है, ये पूरा हम लोग को सेट करके डाल सकते हैं सेटिंग का, ऐसा ये पूरा बताएगा। फिर लेज़र इसका, ये मशीन में लेज़र 700 to 800 तक जाएगा, ठीक है। ये प्रिज्म में अराउंड 4000 to 5000 meter में डिपेंडिंग फॉर साइट क्लाइमेट कंडीशन में जाता है, थोड़ा अच्छा है। और इंट्रोड्यूस इसमें और बेनिफिट क्या क्या, ये नंबर पूरा इधर लिखा है, ये मशीन का नंबर पूरा, ये पूरा ब्लूटूथ के लिए हमको यूज़ आएगा। ये वेट 4 point something वेट आएगा इसमें मशीन का आएगा, फिर भी दूसरा मशीन डिपेंड करा तो थोड़ा कम आता है, इसलिए हम लोग को यूज़ करने के लिए थोड़ा उठा के थोड़ा लेके जाने के लिए थोड़ा इजी होता है। फिर और मशीन का एडवांस मतलब ये कैसा ऑपरेटिंग करेगा, कैसा जॉब बनाएगा, पूरा मैं एक दूसरे की वीडियो बना रहा है, ये XF का इतना ही है, ये इंट्रोडक्शन इतना है। और कोई भी आदमी के डाउट है, कोई भी कुछ पूछने का कुछ है तो आप लोग को कमेंट कर सकते, कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम सर्वे का सिस्टम कुछ कैसा जॉब करने का कुछ है तो कमेंट आप लोग के लिए डालने का मुझे कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप लोगों सपोर्ट करो, ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वॉचिंग करो, कोई भी डाउट है तो पूछो, कोई भी मुश्किल नहीं है। हमारा सपोर्ट मैं आप पूरा मेरे को देने के लिए कोशिश कर